नहीं था क्योंकि शुरुआत से ही बहुत कठिन था. फर्स्ट में हम दोनों का फर्स्ट शेरपा जो केम थ्री पे इंजूर हो गया तो उसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके काठमांडू पहुंचा दिया. तो हम दोनों का फिलहाल एक ही शेरपा बचा था तो उसी शेरपा से हम दोनों डिसाइड किया कि हम दोनों जाएगा वापस नहीं जाएगा. तो हम दोनों ये करके केम टू से हम दोनों केम थ्री जाने का डिसाइड किया. तो केम थ्री पे गया उसके बाद उधर से डायरेक्ट केमपोर जाने के लिए डिसाइड किया. तो केमपोर में गया और उसके बाद फाइनली उधर से हम केमपोर पे पहुंचा. तो उसमें केमपोर पे एक शेरपा हम दोनों का लास्ट शेरपा जो फिर एक्यूट माउंटेनिंग सिकनेस हो गया तो उसका कारण वो उसमें केमपोर में रह गया. तो हम दोनों तो डिसाइड किया कि नहीं हम दोनों को ऊपर जाना है क्योंकि ये हम दोनों का आखिरी और फर्स्ट ये होगा ट्रिप होगा एवरेस्ट में. तो इसलिए हम दोनों को बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ा और हम दोनों फाइनली बहुत डिफिकल्ट से समी तक पहुंचा. बिना 13 आवर्स कंटिन्यूस क्लाइंबिंग था हम दोनों का. उसमें हम दोनों ना कुछ भी फ्लूइड इंटेक किया. बहुत ही डिफिकल्ट था. डिहाइड्रेशन एक्चुअली हम दोनों में हो गया था तो इसलिए जैसे तैसे ही हम दोनों भी ये समीट तक पहुंच पाया. और उसके बाद समीट करके उसमें फिर हम दोनों आधा घंटा जैसे रुका है वेदर के लिए क्योंकि उस समय वेदर जो बहुत ही ख़राब था. स्नोइंग भी था बहुत भी फ्रीजिंग पॉइंट भी भर गया था लगभग एक्चुअली ज़्यादातर उसमें -40 में नॉर्मल होता है पर भी उस समय शायद -60 ऐसे में पहुंच गया था क्योंकि बोलूँ तो मेरा ये मूछ में भी बर्फ़ जम गया था. तो हम तोड़ तोड़ के वो बर्फ़ तोड़ तोड़ के मेरा मूछ ही थोड़ा शॉर्ट हो गया. तो ये सही है ये मजाक टाइप का भी होता है लेकिन असली में भी है. तो आफ्टर ये करने के बाद समिट करने के बाद हम दोनों डायरेक्ट केमपोर आया. उसके बाद बिना रुक के डायरेक्ट केम थ्री आया. केम टू है. ट्रेनिंग बैकग्राउंड कैसे था? स्पॉन्सरशिप आप कहाँ से? एक्चुअली स्पॉन्सरशिप हम दोनों यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट थ्रू से हम दोनों को स्पॉन्सरशिप मिला. काफ़ी हम लोग को बहुत ही हेल्प किया है वो. एक्चुअली अगर ये डिपार्टमेंट थ्रू से ही हम दोनों जा पाया नहीं तो शायद ये भी नहीं होना था. हाँ ट्रेनिंग एक्चुअली हम दोनों निमास पे किया. बेसिक कोर्स निमास पे किया और उसके बाद जो एडवांस कोर्स जो HMI दार्जिलिंग से किया और उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर कोर्स MY जो वो भी निमास पे किया. तो राफ्टिंग ये सब जितना एडवेंचर एक्टिविटीज़ का जो जितना कोर्स है वो हम दोनों निमास से ही किया. एवरेस्टर आपका बैकग्राउंड क्या है? और एक्चुअली फिलहाल हम जो माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर का वो काम करता है नॉट फॉर परमानेंट जस्ट फॉर टाइम यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट पे. वहाँ पे जितना एक्टिविटीज़ करता है वो सब हम लोग ही कंडक्ट करता है. स्पेशली हम दोनों ही वो कंडक्ट करता है ज़्यादातर जितना उस पर वो करता है वो इंस्ट्रक्टर का काम होता है और वो यूथ का जितना एक्टिविटीज़ होता है हम दोनों ही वो करता है विद कोलेबोरेशन विद यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट. एक्चुअली उसमें रोमियो मेहते बोल के एडवेंचर इंचार्ज है ज़्यादातर वही हम दोनों को गाइड करता है एक्चुअली. तो उसी के थ्रू ही हम दोनों भी उसमें काम करता है और ये एक्चुअली इंजीनियर का काम भी करता है साथ साथ में. फिलहाल हम तो खाली वो एडवेंचर में कम्युनिटी का लोगो था और स्टेट डिपार्टमेंट का आप फेसबुक में जितना देखिए वो स्टेट डिपार्टमेंट का ज़्यादा है. इंडिया का फ्लैग सबसे तो इंडिया का फ्लैग आने से वो स्टेट का रिप्रेजेंट करता है. हम कहाँ से डिस्ट्रिक्ट से वो रिप्रेजेंट नहीं करता मेरा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ऊपर से. और डिपार्टमेंट का लोगो लेके गया स्टेट का लोगो लेके गया और इंडिया का फ्लैग तीनों सिर्फ था हम लोग का. उसका बाद उसका अलावा बोलने से अपना जो स्पॉन्सर जो हेल्प किया है और जो
कम्युनिटी हेल्प किया है और उतना लेके गया हम लोग उससे अच्छा और जितना ये था वो ज़्यादातर तो स्टेट का ही हम लोग रिप्रेजेंट स्टेट स्पॉन्सर किया तो स्टेट का रिप्रेजेंट नहीं लेके अच्छा आप लोग का ये जर्नी कितना दिन का रहा कब कितना दिन इट्स अराउंड 2.5 मंथ कब स्टार्ट फ्रॉम हम लोग अप्रैल 7-8 को यहाँ से स्टार्ट किया तो आज लगभग 2 महीना कुछ हो रहा है तो बेस कैंप से कितना समय लग गया बेस कैंप से पास तो हम दोनों तो बहुत कम समय में इस बार टाइम जो बोलने से एवरेस्ट पहुँचने का बाद कम समय लास्ट जरूर हुआ हम लोग सबसे लास्ट समय तक था पर भी हम लोग का जो स्पेन ऑफ टाइम जो एवरेस्ट में बेस कैंप से 1 महीना लगता है वहाँ से हम लोग करीब 15 डेज में वो जर्नी किया इस बार ना एक्लामेटाइज का इतना अच्छा मौका मिला टाइम नहीं था इसलिए एक्लामेटाइज बहुत कम में करना पड़ा तो डायरेक्ट हम दोनों को बेस कैंप से कैम्प वन से कैम्प टू फिर कैम्प टू से हम लोग वापस नहीं आया एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि जो कैम्प टू पहुँचता है वो बेस कैम्प आना पड़ता है एक्लामेटाइज के लिए वो आप ऊपर जाने के लिए तकलीफ नहीं होने के लिए तो उसमें हम दोनों बहुत कम टाइम में किया इसलिए ऊपर ऐसे ही जाते गया अच्छा आप लोग ये इंस्पिरेशन या फिर ये सोच कैसे आया कि आप लोग माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है एक्चुअली माउंट एवरेस्ट सबसे वर्ल्ड का टॉप है हर माउंटेनर चाहता है कि आगे बढ़ के वो करें लाइक ड्रीम आप पढ़ाई करता है तो एक आईएएस ड्रीम करता है आईएएस ड्रीम करता है और फुटबॉल खेलता है तो वर्ल्ड कप खेलना चाहता है ये लाइक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लाइक माउंटेनर के लिए वर्ल्ड का टॉप प्लेटफॉर्म है लाइक फुटबॉलर जो वर्ल्ड कप खेलता है उसका जैसे है थैंक यू